हेलो एवरीवन, आज हम फोक डांसेस के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया में फोक डांसेस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। तो ये जो फोक डांसेस होते हैं, ये रिच कल्चर को जो है इंडिया के हर स्टेट में जो है वो डिफरेंट फोक डांसेस होंगे और उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो यूनिक फोक डांसेस होते हैं, ये मिक्सचर होता है कंपोजिट आर्ट का, ठीक है। क्लासिकल डांस जो जो हमने पहले पढ़े थे वो डिफरेंट होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल तक पहुँचे होते हैं, लेकिन ये जो फोक डांसेस होते हैं ये लोकल पीपल में जो हैं वो फेमस होते हैं, ठीक है। मतलब हर स्टेट में अपना, हर कम्युनिटी का, ठीक है, अपना एक फोक डांस जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है, ओके। और ये डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पर किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल इसे परफॉर्म करते हैं अपनी अपनी लोकेलिटी में, ठीक है। और नॉलेज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। मींस ये जो है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, नेशनल लेवल तक, लेकिन इनका जो अस्तित्व है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता ही रहता है, ठीक है। तो अब कुछ फोक डांसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके फेवर में आ सकते हैं। तो छऊ डांस पहले ये देख लेते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए, ये इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर्म चेयर लॉन्च इसमें जो है ये सोर्स है, वहाँ से ली गया है, ठीक है। तो छऊ जो है, छऊ डांस, ये एक ट्राइबल मार्शल आर्ट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि क्या छऊ डांस जो है मार्शल आर्ट है। यस, इट इज़ अ मार्शल आर्ट डांस फॉर्म जो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का फेमस है। उसके बाद छऊ जो है, इसका जो मतलब क्या होता है, छऊ मीन्स छाया, छाया का मतलब शेडो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और मैथोलॉजिकल स्टोरीज इसमें दिखाई जाती है, मास्क डांस है, कि जैसे आपने इस पिक्चर में भी देखा होगा मास्क पहना हुआ है ना, तो ये मास्क डांस है और मार्शल मूवमेंट्स इसमें किए जाते हैं, स्टोरी जब वो नरेट करते हैं थ्रू देयर डांस, ठीक है। और इसमें से सप्रा नृत्य, मयूर नृत्य जो हैं वो फेमस थीम्स होती हैं छऊ डांस की, ओके। उसके बाद सराय केला छऊ इन झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा में, और पुरुलिया छऊ जो है वेस्ट बंगाल में। ये तीन स्टाइल है छऊ डांस के जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि देखो, हमने अभी बात की थी ना कि इसमें जो है वो आपका मास्क यूज़ होता है, लेकिन मयूरभंज वाले में जो कि उड़ीसा में होता है उसमें मास्क यूज़ नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है, मयूरभंज वाले जो छऊ डांस में ये आपका मास्क यूज़ नहीं होता। उसके बाद छऊ डांस जो है उसको जो है यूनेस्को हेरिटेज, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यूनेस्को के द्वारा 2001 में इंक्लूड कर लिया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा छऊ जो है वो डांस इंक्लूड कर लिया गया था, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाले में, ठीक है। तो आगे और भी आएंगे, आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सा ऐड किया गया है, तो इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है वीरानाट्यम, ठीक है। इसमें आप एक बारी पिक्चर देख लीजिए इसकी, और ये होता है गोदावरी रीजन के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे, ठीक है, और बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। ये इसका मतलब क्या होता है, वीरानाट्यम का मतलब होता है डांस ऑफ ब्रेव, और ये ट्रिब्यूट दिया जाता है गॉड शिवा एंड गॉडेस वीरभद्रा को, ठीक है। और उसके बाद हैंड जेस्चर्स, फ्लेमिंग ट्राइडेंट्स एंड स्पीयर का यूज़ किया जाता है इस डांस में, ठीक है। कलरफुल धोतीस पहनी जाती हैं, ये देख लीजिए एक बारी पिक्चर में आप। और सेक्रेट ऐश मतलब जो राख होती है वो भी लगाई जाती है बॉडी के ऊपर। और उसके बाद डांसर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं बिग फ्लेमिंग प्लेट ऑफ पाम एंड टिल द फायर इज़ एक्सटिंग्विश, जब तक जो आग है वो बुझ नहीं जाती, ये जो है डांसर्स वो डांस परफॉर्म करते रहते हैं, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ढोलू कुनिथा, ठीक है। ये नेक्स्ट डांस है, और ये है कर्नाटका से रिलेट करता है, ठीक है। तो डांस इज़ कन्फाइंड टू मेल्स विथ
गुड फिजिक, मेल्स इसे परफॉर्म करते हैं जिनकी फिजिक अच्छी होती है। होलो ड्रम जो है वो अपने मींस वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपर बांधकर ये ढोल बजाते हैं और साथ में परफॉर्म करते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल रिचुअल्स को रिप्रेजेंट करता है और ये परफॉर्म किया जाता है कुरुबास के द्वारा, जो कि डिवोटी है बेरे देव वारू के, ठीक है। और ये जो डांस डांसर्स होते हैं वो एक सर्कल में जो है वो सर्कल बना के उसमें बीट करते हैं ड्रम को और साथ में नाचते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एक बार पीछे दोबारा से देख लीजिए, ढोलू कुनीथा जो है वो कर्नाटका का डांस फॉर्म है। ढोल के साथ ये मेल जो है वो परफॉर्म करते हैं और वेस्ट पे डाल के ये बीट करते हैं उसको, ठीक है। और रिलीजियन और कल्चरल जो है वो इसमें थीम्स होती हैं। उसके बाद मटकी डांस, जैसे कि ये डांस का नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मटकी डांस, सिर के ऊपर देखिए आप कैसे इन्होंने मटकियाँ रखी हुई हैं, जो कि मध्य प्रदेश का फोक डांस है और मालवा रीजन में भी ये स्पेशली किया जाता है। रस्सा डांस का इसमें वेरिएशन है। लव एपिसोड ऑफ गॉड कृष्णा का इसमें मतलब थीम्स होती हैं, और जब कृष्णा की जो यंगर एज की जो एपिसोड्स हैं लव एपिसोड, उन्हें दर्शाया जाता है। वुमेन इसे परफॉर्म करती है मैरिजेस एंड फेस्टिवल्स में, और जो है एम्प्टी पॉट्स जो है वो भी मेंटेन किए जाते हैं सिर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ढोल, ढोल जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है इसमें, उसके साथ साथ ये डांसर जो है वो नाचती है। साड़ी लहंगा जो है वो कॉस्ट्यूम्स होती हैं इनकी। आधा एंड काधा नाच जो है वो पॉपुलर वेरिएंट्स है मटकी डांस के, ओके। उसके बाद बात करते हैं ओटम तुलल, ठीक है। ये नेक्स्ट डांस फॉर्म है जो कि केरला का है। 18th सेंचुरी में कंचन नेबार्ड ने इसे जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। सोलो परफॉर्मेंस देते हैं परफॉर्मर्स, ठीक है, और साथ साथ बोलते हैं, साथ साथ परफॉर्म करते हैं, डांस भी करते हैं, ठीक है। और इसमें सिंगिंग वगैरह भी और ड्रमर वगैरह ढोल वगैरह भी बजाए जाते हैं, ठीक है। मलयालम लिटरेचर जो है उसमें जो ये बोलते हैं सॉन्ग्स वगैरह, वो मलयालम लिटरेचर में लिखे गए हैं, क्योंकि केरला का है, आपको पता होना चाहिए मलयालम लिटरेचर जो है वो केरला का है, तो उसमें मलयालम में ही लिखे होंगे ना टेक्स्ट वगैरह। उसके बाद जो परफॉर्मेंस होते हैं, उस परफॉर्मर होता है उसे पूरी मतलब फ्रीडम होती है टू रिफ्लेक्ट हिज व्यू ऑफ द ऑडियंस। ग्रीन मेकअप जो है वो किया जाता है, कलरफुल कॉस्ट्यूम डाले जाते हैं इस डांस फॉर्म में। आप देखिए कितना कलरफुल इसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डाले हुए हैं, ओके। नेक्स्ट डांस पर आते हैं कोलट्टम में, ये जो है तमिलनाडु का डांस है, और इसमें आप देखिए इसमें सभी 3-4 महिलाएं मिलकर डांस कर रही हैं, और थ्रू आउट इंडिया ये पॉपुलर है। कोल का मतलब होता है स्टिक, अट्टम का मतलब होता है डांस, और इसमें जो है यंग गर्ल डांस परफॉर्म करती हैं स्टिक्स के साथ। जैसे वैसे अभी आएगा आगे भी गरबा में नहीं होता जैसे डांडियां खेलते हैं, है ना, वैसे ही इसमें स्टिक्स, इसमें डांडियां नहीं बोलना, वही एक तरह से लिटिल स्टिक्स के साथ, ठीक है। और लॉर्ड रामा के बर्थडे के उपलक्ष में ये जो है डांस परफॉर्म करती हैं। पीनल कॉल लट्टम जो है वो इस डांस फॉर्म का एक वेरिएंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद रॉफ, एक न्यू डांस फॉर्म जो कि फोक डांस फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर का। ये वुमेंस करती हैं हार्वेस्ट सीजन के दौरान, ठीक है। वुमेंस जो है वो दो रोज बना लेती हैं। अ फॉर्म ऑफ चेन इज प्लेस्ड ऑन द आर्म अक्रॉस वन अनदर बैक, मतलब एक दूसरे के वेस्ट पे हाथ रखती हैं और फिर गाने गाती हैं और साथ में डांस परफॉर्म करती हैं, ओके। और ब्राइड्स शर्ट्स डालती हैं ड्रेपर्स और सिल्वर ऑर्नामेंट्स, आप देखिए इनके माथे पे सिल्वर ऑर्नामेंट्स इन्होंने डाल रखे हैं, और कॉस्ट्यूम जो है वो भी जो सलवार है और लोअर जो बॉटम है वो इनका वाइट कलर का है, ऊपर एक जैसी ड्रेस है जो कि मेहरून कलर में आपको दिख रही है, ठीक है। और इनके फेस के ऊपर स्माइल एंड एनिमेशन दोनों रहते हैं, और डांसर जो होती है वो बहुत काम और डिलाइट वे से डांस करती हैं, ओके।
नेक्स्ट कालबेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट ये, इसका मतलब कालबेलिया का मतलब यही होता है कि सांप जैसे डांस करना, और ये राजस्थान का एक फोक डांस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन इसे परफॉर्म करती हैं, और इनके जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, डांस मूवमेंट्स होते हैं, वो सर्प जैसे ही होते हैं, सिमिलर टू सरपेंट्स, ठीक है। और इनके जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी बीन ही होता है, विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय द स्नेक चेन। जैसे जब सांप को बाहर निकालते हैं तो बीन बजाते हैं ना, तो वही वाले बीन का जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये साथ में जो परफॉर्मेंस वुमेन परफॉर्मर्स होती हैं वो परफॉर्म करती हैं। इसको भी 2011 में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर लिया गया था। अभी तक आपके पास दो आए हैं ऐसे, है ना, छऊ और ये वाला यूनेस्को जो टेंजिबल में इन्वॉल्व किया है, एक कालबेलिया और एक छऊ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गरबा। जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, गरबा जो है वो गुजरात का फोक डांस है, और गर्भदीप से ये रेफर करता है, ठीक है। और इसका जिसका मतलब है कि ईस्टर्न पॉट विद द होल्स। उसके बाद जो है डांस परफॉर्मेंस जो है वो सर्कुलर फॉर्म में बाय द विलेज एज वेल एज द अर्बन वूमेन विद रिदमिक क्लैपिंग, मतलब साथ साथ पर सर्कुलर फॉर्म में ये डांस करती हैं, और साथ में ये रिदमिक क्लैपिंग्स वगैरह भी करती रहती है। नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, वसंत पंचमी और होली के टाइम पर ये परफॉर्म किया जाता है डांस, ओके। और उसके बाद रासलीला में देखिए, ये मथुरा एंड वृंदावन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। रासलीला, जैसे ही रासलीला का मतलब ही यही है कि कृष्ण एंड राधा के ऊपर जो है वो पिक्चराइज किया गया है, ठीक है। तो राधा कृष्ण की लव स्टोरीज़ के ऊपर होता है ये, और जैसे कथक में होता है सब मूवमेंट्स उसी से रिलेटेड होते हैं। कथक हमने पढ़ा था ना, कथक एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो आपको याद रखना है कि ये वाला रासलीला जो है वो भी यूपी का है, और कथक भी है ये भी यूपी का ही है, और दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, है ना, इसको ध्यान रखना है आपने। एक्सप्रेशन ऑफ डांस इज़ फुल ऑफ चार्म एंड फ्रेशनेस, जैसे कि आपने पिक्चर में भी ऊपर देखा था, एक बार दिखा देती हूँ, ओके। उसके बाद बिहू की बात करते हैं, ये असम का डांस फॉर्म है, और आदमी और औरतें दोनों करते हैं ये। पॉम्प एंड गैरेटी जो है वो सेलिब्रेटेड किया जाता है बाय द डांसर्स वेयरिंग योर कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेस, इनकी ये जो ड्रेस है वो ट्रेडिशनल ड्रेस है, इन्हें पहनकर ये डांस करती हैं, और रैपिड हैंड मूवमेंट्स होते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन में ये डांस करती हैं, ब्रिस्क फुटवर्क होता है, पेक्युलर फीचर्स ये जो है इस डांस फॉर्म के पेक्युलर फीचर्स हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं भंगड़े की, ठीक है। तो ये पंजाब का फोक डांस है, और ये जैसे कि हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप्स की, उस टाइम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे बैसाखी पे ना भंगड़ा डालते हैं ना। तो और भी जैसे इसमें एक दो बातें मैं बताती हूँ, जो जो वुमेन्स करती हैं उसे गिद्दा कहा जाता है, और जो मैन करते हैं उसे भांगड़ा कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ड्रम, जैसे कि आप पिक्चर में देखिए, इन्होंने मैन ने ड्रम पकड़ रखा है वो बजाते हैं, और साथ में जो है वुमेन्स एंड मैन जो है वो दोनों परफॉर्म करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पदायानी, ठीक है। ये एक नेक्स्ट मार्शल फोक डांस है जो कि केरला का है। अभी तक हमने दो ऐसे, एक और भी पढ़ा था मार्शल जो कि छऊ ही था, ठीक है, फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा था, तो ये भी एक है पदायानी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या पदायानी जो फोक डांस है वो मार्शल फोक डांस है या नहीं, तो आपको ये बताना है कि यस इट इज़, ठीक है। और ये केरला का है, और इसका मतलब होता है रो ऑफ इन्फेंट्री, और रिच एंड कलरफुल जो है वो इनके कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते हैं, ह्यूज मास्क देखिए इनके मुंह पर डला होता है, और इन मास्क को बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है, जो कि डांसर्स परफॉर्म करते समय डालते हैं अपने सिरों पर, ठीक है। और ये डिवाइन एंड सेमी डिवाइन नरेटिव्स के इनकी थीम्स होती हैं, भैरवी, कलान, यक्षी जो है कुछ पॉपुलर करेक्टर्स हैं,
ऑफ पदयानी, ठीक है, पदयानी फोक डांस। उसके बाद घूमर आता है, ये भी राजस्थान का बहुत इम्पोर्टेंट जो है पॉपुलर भी है फोक डांस है। और वुमेंस जो है वो जैसे घाघरा टाइप का फ्लोरल ड्रेस पहनती हैं, और इसे मैन एंड वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं। सॉन्ग्स इनके लव, ग्लोरी एंड डिफीट सब पे होते हैं। सभी सीजन्स में ये परफॉर्म किया जाता है, और मैन भी परफॉर्म करते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, दोनों ही परफॉर्म करते हैं। और जैसे ये सर्कल बनाते हैं, आधा सर्कल तो होता है मेंस का, आधा सर्कल होता है वुमेंस का, तो मिलकर ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल जो है एंड वोकल म्यूजिक इसमें डांस में जो है म्यूजिक बजाया जाता है। उसके बाद आता है पता कुनिथा, ठीक है, एक कुनिथा हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, ऊपर उसे भी आपको ध्यान रखना है, वो भी कर्नाटका का था। देखो कुनिथा वाले जो है ना, मैंने तो ऐसे ही याद कर लिया, कुनिथा वाले दोनों कर्नाटका के था के हैं, ठीक है। पता कुनिथा ये भी कर्नाटका का है, मैसूर रीजन का, और रिलीजियस डांस परफॉर्म्ड बाय मैन। ये सारे देखिए आदमी परफॉर्म कर रहे हैं, इनके हाथ में एक स्टिक है जो कि डेकोरेट की गई है, ठीक है। देखिए लॉन्ग बैम्बू पोल्स जो हैं वो डेकोरेट किए जाते हैं रिबन्स द्वारा से, उन्हें ही पता कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये एक्सट्रीमली पॉपुलर है इन ऑल रिलीजन्स, और कर्नाटका में तो है ही ये। और इसे इसके दूसरे वेरियंट है पूजा कुनिथा, और जो कि बेंगलोर और मांड्या रीजन में जो कि पॉपुलर है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गए इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स, लेकिन कुछ डांस फॉर्म्स और हैं उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। डांडिया रास जो है और तरंगामेल इन गोवा, चरबा इन हिमाचल प्रदेश, दादरा इन यूपी, जवारा इन मध्य प्रदेश, ग्वार मारिया इन छत्तीसगढ़, अलाप इन वेस्ट बंगाल, बिहरा इन बिहार। ये देखो कितने सिमिलर है ना नाम, तो आपको ये भूल भी नहीं सकता, ठीक है। पायका इन बिहार, जट जतिन इन बिहार, डांडा यात्रा इन ओडिशा, टैंगटा इन मणिपुर, सिंघी चाम इन सिक्किम, मईल अट्टम इन तमिलनाडु, सॉरी टू प्रनाउंस, ओके, बूटा वो मालू इन आंध्र प्रदेश, भूटा राधे इन कर्नाटका, ओके। तो ये तो थे हमारे पास आज फोक डांसेस। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोकल एंड रीजनल थिएटर फॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।